आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और हमारे खास पेशकश शहर शहर खबर खबर में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार का खाका तैयार किया है। वही सरकार और संगठन प्रचार के जरिए केंद्र और प्रदेश की योजनाएं लोगों तक पहुंचाएगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से प्रचार की शुरुआत करेंगे और वही प्रचार अभियान की शुरुआत भी सहारनपुर से ही होगी। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मोर्चा संभालेंगे, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन की तरफ से प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खाका तैयार कर लिया है कि आखिर किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे, जो जनता है उन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही कमर भी कस ली है। वही अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो सहारनपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव की प्रचार की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते दिनों ही एक अहम बैठक हुई थी, उसमें दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई थी और अब एक लिस्ट भी तैयार है जो दिल्ली जाएगी, उसके बाद ही दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले ही चुनाव को लेकर बीजेपी ने खाका तैयार किया है कि आखिर किस तरीके से जो निकाय चुनाव है उस चुनाव से पहले जो सभी बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसकी जानकारी किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचेगी, इसको लेकर अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, बीजेपी ने एक खाका तैयार कर लिया है कि वो नगर निकाय चुनाव का प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है जे. और बात करें तो सत्ता उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुकी है। अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी जनसभा की शुरुआत 24 अप्रैल से सहारनपुर से करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने प्रयागराज के प्रवास पे गए हुए हैं। साथ ही आपको बताएं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी अपनी चुनावी सभा मेरठ से शुरू करेंगे। अगर बात की जाए तो तमाम केंद्रीय मंत्री और सरकार के कैबिनेट मंत्री चुनावी सभा करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करने को लेकर हर एक मुमकिन प्रयास करेंगे। मुस्कान, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिम से की जा रही है, जिससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं देखें तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पश्चिम से आशा से अधिक वहां से सीटें निकली हैं। और हाल फिलहाल में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर एक मजबूत गठबंधन विपक्ष के अंदर में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी RLD और चंद्रशेखर रावण की जो एकजुटता है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार होकर और पश्चिम से एक मजबूती के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर आगामी कार्यक्रमों पर एक नजर डालें तो वो सहारनपुर से नगर निकाय चुनाव की रैलियों की और कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, और अगर ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर बीते जो भी रैली है उन पर नजर डाले तो 2017 में भी जब विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी वो भी सहारनपुर से हुई थी, जो पसमांदा सम्मेलन की शुरुआत हुई थी वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सहारनपुर से हुई, और अब अगर निकाय चुनाव की बात करें तो यहां पर भी रैलियों की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सहारनपुर से की जाएगी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ तो गोरखपुर माना जाता है। ऐसे में सभी अहम कार्यक्रमों की शुरुआत सहारनपुर से ही क्यों? बिल्कुल नमस्कार, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ताज पश्चिम को कहते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने देखा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बागपत और सामली से चुनावी अभियान की शुरुआत की गई थी। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार
पश्चिम है, जिसको साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगामी जो पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो पश्चिम से जहां से भी शुभारंभ की है वहां भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई है। इसको मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री वे आने वाले 24 अप्रैल को सहारनपुर से अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात करें तो फेज वन की अगर देखें तो फेज वन को लेकर सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग मंडलों में जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच रखकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव को पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, वोटरों को रिझा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को बताकर। साथ ही आपको बताएं कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में इस मूल मंत्र के साथ चुनावी मैदान में है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और अब ट्रिपल इंजन सरकार की बारी है। मुस्कान, ठीक है विभांशु, जिस तरीके से हमने देखा कि अब लगातार जो भाजपा के नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया है 2024 के विधानसभा चुनाव में उसमें काफी हद तक प्रचार किया गया था सोशल मीडिया पर भी, तो क्या निकाय चुनाव में भी जो बीजेपी है वो सोशल मीडिया का सहारा लेगी, और लेगी तो किस हद तक लेगी? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो 2014 से ही सोशल मीडिया को एक अहम हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उपयोग करते हुए नजर आई है, मगर इस बार बात करें तो सभी राजनीतिक दल डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं प्रचार का एक तंत्र अपना खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 2022 चुनाव में आपने देखा था कि विधानसभा के चुनाव हुआ उस वक्त कहीं ना कहीं प्रदेश में कोरोना की मार थी और देश इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा था, उस वक्त तमाम जगहों पर डिजिटल रैलियां की गई थी और अब इसको विस्तृत रूप देके और सभी राजनीतिक दलों के जो नेता है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चुनाव को लेकर जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है, जहां बीते दिनों एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों की एक लिस्ट तैयार हो गई जो दिल्ली दरबार भेजी जाएगी और वहीं से इस लिस्ट पर फाइनल मोहर लगेगी। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर से नगर निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एआईएमआईएम सांसद ने हत्या की साजिश पर सवाल उठाते हुए कहा इस्तेमाल किए गए प्रत्येक हथियार की कीमत 8 लाख रुपए है। हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि हत्या के एक आरोपी का परिवार झोपड़ी में जबकि दूसरे का परिवार एक कमरे में रहता है, उनके पास ये अवैध धन कैसे आया? उन्होंने दावा किया कि उसके हत्यारे आतंकवादी है, साथ ही उन्होंने आरोपियों पर यूपीए नहीं लगाए जाने को लेकर यूपी सरकार पर कई सवाल लगाए हैं। तो जब मुझ पर गोली चलाई गई तो उन गालियों से पूछा गया तुमने क्यों चलाई, तो बोले मसौदी ओवैसी को मार के मशहूर होना चाहते थे, उनके घर वालों को पूछे थे, बोले आता ही नहीं था, झंझट ही था, मिलता ही नहीं था, यहाँ पर भी ऐसी है, हाँ आता ही नहीं था, जो ऐसा है, और वो लोग भी बोले हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये बाजाबा ग्रुप है जिसको हम टेरर सेल कहते हैं, ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन दो लोगों को जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे, मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ पैसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे, हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे, सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे अल्लाह की ईमान को सलामत रखे, अल्लाह राजी बनकर रखे और शहीदों की मौत से ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दो, अपने बाप को शर्मिंदा ना हो, मगर यहां पर देखो आप मशहूर होना चाहते थे। मेरे भाई, एक महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे अख्तदार जमात के, हमारे मुल्क के
प्रधान सेवक से उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8 लाख की रकम किसने दिया? आप खुद कह रहे हैं ये तो सिंधी चोर को बोलते हम लोग, इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का रकम कौन दिया बोलो, नहीं बोलेंगे। अच्छा फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें एक मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबक बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों, कौन लिया इनकी जान बताओ। ये टेररिस्ट है याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरे हुकूमत करने वालों रोको इन लोगों को, याद रखो अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये आग है, ये दीमक है, मुल्क को खोखला कर देंगे ये लोग। तरीके से अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक के हथियारे आतंकवादी हैं और तीनों शूटर्स पर यूएपीए आखिर अब तक क्यों नहीं लगाई गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर लगातार बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब तीन आरोपी शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स पर गोली से निशाना साधा तो हत्याकांड की जगह पर दो लोग और मौजूद थे। ये दो लोग इन तीनों को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। हालांकि दोनों का नाम अभी तक पता नहीं चल सका है, पुलिस इसे लेकर फिलहाल जांच कर रही है। अब एसआईटी को इन दोनों लोगों की ही तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही है। इतना ही नहीं, इन दोनों के तीनों शूटर्स के रहने वाले का भी बंदोबस्त किया था और रेकी के दौरान भी इनकी मदद में पूरा साथ दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के समय इनका एक साथी अस्पताल परिसर और दूसरा अस्पताल परिसर के बाहर ही मौजूद था। तो अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कई जो राज से पड़ते हैं वो खुलती जा रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनमें सिर्फ तीन ही शूटर्स थे, लेकिन अब जैसे जांच आगे बढ़ी है तो उस दौरान कुल 5 लोगों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं और इन दो युवक जो नए हैं इनका लगातार इनके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये युवक कौन थे, इन युवकों ने किस तरीके से मदद की है, ये अब लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक कश्यप हत्याकांड में पहले तो तीन आरोपियों का ही नाम सामने आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, अब दो नए लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उन दो नए लोगों को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल मुस्कान, बीते 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद से एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों पहले एसआईटी की टीम ने उसी कालविन अस्पताल में घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया है। हालांकि ये जांच का एक विषय है और जांच की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस एसआईटी की जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हत्याकांड में 3 नहीं 5 शूटर शामिल थे और उसमें से एक शूटर जो है वो प्रयागराज का ही है। हालांकि अभी इस जांच में यह नहीं स्पष्ट हो पाया है कि वो जो दो और शूटर है वो कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि इस जांच में जिस तरीके से अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो तीन शूटर्स थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनके साथ दो और लोग शामिल थे जिन्होंने इस पूरे घटना की रेकी की थी और उस दौरान इनको प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से और होटल में रहने से तथा अस्पताल तक ले जाने में उन्होंने मदद की है। तो निश्चित रूप से ये जो जांच लगातार आगे बढ़ रही है तो नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था तो ऐसे में
ये कहा जा रहा था कि आखिर ये शूटर किस तरीके से, चूंकि इसमें जो तीनों शूटर है वो अलग अलग जिलों के रहने वाले, और कहा तो ये भी गया कि ये तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ऐसे और कौन से नाम है जो इन शूटरों को मदद पहुंचा रहे थे, या वो इन शूटरों को उन्होंने मदद पहुंचाई है। ऐसे में पवन, जब हमने अतीक अशरफ हत्याकांड का पूरा एक वीडियो रिवाइंड करके देखा तो हमने ये देखा कि जब अतीक पुलिस की गाड़ी से उतर रहा था, उस दौरान वो दो मिनट गाड़ी से उतरते उतरते रुका, वो अपने बाएं तरफ देखा और किसी को इशारा कर रहा था, तो उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या जिस व्यक्ति को अतीक इशारा कर रहा था क्या उसके बारे में कुछ पता लग पाया है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था? जी बिल्कुल मुस्कान, उस वीडियो में एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, अगर हम सभी ने अगर उसको ध्यान से देखा होगा तो इसमें यह दिखा था जब अतीक पहले तो गाड़ी से अशरफ उतरा है, अशरफ ने उतरने के बाद अतीक को उसने सहारा दिया है गाड़ी से उतरने का, और जब अतीक गाड़ी से उतर रहा था उस दौरान अतीक ने कुछ इशारा किया था, हालांकि उस दौरान किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब अतीक के सामने मीडिया कर्मियों ने उसका वर्जन लेना चाहा, बाइट लेनी चाहिए, उसी दौरान अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ शब्द कहे थे, और ठीक उसी दौरान हमलावरों द्वारा अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई। हालांकि एसआईटी की जांच में यह सब महत्वपूर्ण विषय है, और एसआईटी की टीम लगातार इसको जांच कर रही है कि आखिर अतीक ने किस व्यक्ति को इशारा किया था और किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से उसमें और लोग शामिल है, हालांकि जो दो और नाम सामने आए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक उसमें जो व्यक्ति है वो प्रयागराज का रहने वाला है, जबकि दूसरे के बारे में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि एक और जो व्यक्ति है वो कौन था। लेकिन जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़े चौंकाने वाले सामने तथ्य आएंगे, और निश्चित रूप से अतीक और अशरफ हत्याकांड में नई कड़ी जुड़ने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की टीम द्वारा दो नामों के नाम सामने आए हैं, ऐसे में ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर उस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल हैं, और ये महत्वपूर्ण भी है जी। कल का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कल जो आरोपियों की रिमांड है वो खत्म हो जाएगी, और कल है रविवार का दिन, तो क्या सीजेएम कोर्ट में कल इन तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए जो याचिका एक बार फिर से दाखिल की जाएगी, या फिर इन तीनों ही आरोपियों को अभी भी जेल में ही रखा जाएगा? जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए कल अगर रविवार की बात करें तो ये सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे में इन तीनों आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इनके और इनको और ज्यादा दिनों तक रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई तरह की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ये जो तीनों आरोपी हैं इनको किस तरीके से पुलिस कल कोर्ट में पेश करेगी, और पेश करेगी तो क्या इनको और ज्यादा दिनों तक रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो एसआईटी की टीम और जो जांच कमेटियां लगी हुई हैं तमाम, चाहे वो न्यायिक टीम की बात करें चाहे फॉरेंसिक टीम की बात करें, तो इनकी जो जांच है वो कहीं ना कहीं अभी चल रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस इनको और ज्यादा दिनों तक रिमांड पर लेने की अर्जी पेश करेगी, क्योंकि इनका जो पूछताछ है वो अभी तक लगातार जारी है, और जब ये दो नए नाम सामने आ गए हैं तो इसमें और भी जांच का जो दायरा है वो बढ़ जा रहा है। हालांकि जल्द ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस और ये जो एसआईटी की टीम और तमाम जो जांच टीमें लगी हैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करेंगी अतीक अशरफ हत्याकांड। जब एसआईटी की पूछताछ जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो हर एक नए दिन के साथ कई नई कड़ियां भी जो है वो भी अब खुल रही है, तो अब ये जो दो नए नाम सामने आए हैं अभी इस पूछताछ में, तो क्या इन जो बीते दिनों पूछताछ हुई इसमें और क्या कुछ बड़े तथ्य निकल के सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हत्याकांड के ठीक बाद से जब इन तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया, पुलिस ने इनको अपने कस्टडी में रखा, और ये इनकी कस्टडी रिमांड भी जब मंजूर हो गई, ऐसे में जो पूछताछ है वो निश्चित रूप से बड़ी कड़ियां इसमें जोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो तीनों आरोपी हैं तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले, अलग अलग स्थान के रहने वाले हैं, कहा तो ये भी गया कि ये तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े हत्याकांड को इन लोगों ने किस तरीके से अंजाम दिया। हालांकि अब ये जो दो नए नाम सामने आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था
कि जब ये तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है तो प्रयागराज जैसे भीड़ भाड़ स्थान पर, उस स्थान पर जहां पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर थाना है, तमाम पुलिस की टीमें हैं, 17 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक और अशरफ को सुरक्षा में लगी थी। ऐसे में ये तीनों जो आरोपी हैं, ये किस तरीके से इन्होंने अतीक अशरफ को गोली मारी है, तो ये बड़ा सवाल था। हालांकि अब जब SIT की टीम की जांच में जब ये दो और नाम सामने आए हैं तो ये महत्वपूर्ण है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम वो और भी नाम सामने आएंगे जो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अतीक और अशरफ का जिस तरीके से पूरे पूर्वांचल में वर्चस्व था, इस तरीके से हत्याकांड वे किसी के गले से उतर नहीं रहा है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर अतीक और अशरफ को सरे बाजार इस तरीके से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों हमलावरों में उसमें एक ही ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर करीब 16 से ज्यादा मुकदमे हैं, जबकि एक अन्य जो है उसकी उम्र जो है वो नाबालिग के आसपास की, हालांकि पुलिस ने उसकी उम्र को 18 साल बताया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ये जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने अतीक अशरफ को गोली मारी, गोली मारने के बाद इन्होंने सरेंडर किया। पवन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो दो नए नाम सामने आए हैं, तो क्या SIT ने इन तीनों ही हत्यारोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की तब ये दो नए नाम सामने आए, या फिर तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई तब ये तीनों नाम सामने आए? चूंकि मुस्कान, अतीक अशरफ का जो हत्याकांड है ये बहुचर्चित है, पूरे प्रदेश की गूंज इसमें देखने को मिली थी और इस पूरे हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा हुई थी। चूंकि ये जांच का विषय और इतने हाई प्रोफाइल मामले में तमाम जो आला अधिकारी है वो कुछ भी इसमें किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों पर बैठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, फिर इन तीनों को एक साथ किया जाता है, इन तीनों के जो बयान है उसको मिलाए जाते हैं कि आखिर इन तीनों के बयान में किस तरीके की भिन्नता है या इन तीनों ने किस तरीके के बयान दिए हैं। हालांकि जब इनके जांच के जो दायरा है वो घूम फिर के एक ही जगह आता है, इनको जब एक जगह रखा जाता है, इनके जो पूरे बयान को मिलान किया जाता है, इसी तथ्य निकल के सामने आए हैं कि इनमें दो और लोग शामिल थे। हालांकि जब वो दोनों और पुलिस की पकड़ में आएंगे जिसमें और भी कई चेहरे सामने आने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है, और जल्द ही प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड का बड़ा खुलासा होने के आसार दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर हर नए दिन के साथ काफी नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जहां दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, नए नाम अब सामने आ रहे हैं कि लेकर लगातार जो है वो नए राज खुलते जा रहे हैं, नई परतों से पर्दा उठता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है इस पूरे हत्याकांड को लेकर सिर्फ तीन ही लोग शामिल बताए जा रहे थे। तो अब जैसे ही जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे ही जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो उस जांच के दौरान कई बड़े और अहम राज भी खुलते जा रहे हैं, क्योंकि अब दो नए लोगों का नाम भी सामने आया है। अब इन दो लोग कौन थे, ये दो लोग कहाँ से थे और किस तरीके से इन दोनों ही ने हत्यारोपियों की मदद की, ये एक अहम सवाल है जिसको लेकर SIT अब लगातार पूछताछ कर रही है। और बीते दिनों लगातार SIT जो है वो आरोपियों से पूछताछ करती हुई भी नजर आई थी। तो अब वही इस पूरे हत्याकांड को लेकर सीन का रिक्रिएशन भी प्रयागराज में हुआ था, क्योंकि अब पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या कुछ कौन कौन से लोग इन सबके पीछे शामिल थे और क्या कुछ इन हत्यारोपियों का माइंडसेट था जो उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। यूपी में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है, जहां शुक्रवार को अवैध वसूली और दवाओं की कालाबाजारी समेत अन्य गंभीर आरोपों में घिरे जौनपुर के CMS को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं अनैतिक कार्यों में लिप्त चित्रकूट के डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जौनपुर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा पर गंभीर आरोप
लगे हैं। पद पर रहते हुए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अवैध रूप से वसूली, इसके साथ ही दवाओं की कालाबाजारी का भी आरोप लगा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नियमों के खिलाफ काम करने वाले किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को बर्खास्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, कभी वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं तो कभी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स को बर्खास्त कर देते हैं। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने महकमे को लेकर काफी अलर्ट मोड में दिख भी रहे हैं। अगर बात की जाए तो दवाओं की कालाबाजारी व अवैध वसूली के आरोप में डॉक्टर की बर्खास्तगी हुई है। जौनपुर के सीएमएस ने अपने पदों पे रहते हुए पदों के तहत निर्वहन में काफी लापरवाही बरती है, जिसके लिहाज से उनको जो है बर्खास्त किया गया और लगातार जो है सरकार की छवि जो है उसको धूमिल कर डॉक्टरों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हम ये देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा लगातार ऐसे मामलों पे कार्रवाई की जा रही है, उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो शुक्रवार को ही अवैध वसूली दवाओं की कालाबाजारी समेत अन्य कई गंभीर आरोपों में गिरे डॉक्टर को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम का ये दोस्त कहना है कि नियमों के खिलाफ जाने वाले और लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी या डॉक्टर या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर बात करें ठीक है विवेक, जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, तो क्या लगता है ऐसे में जो यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार आ पाएगा? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है जिस प्रकार से हो रही है, लगातार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है इन लोगों पर शिकंजा जो है वो कसा चला जाएगा। जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई हो रही है तो लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि उनको जो है नौकरी से निकलने का खतरा लगातार बरकरार रहेगा। जिस तरीके से वो औचक निरीक्षण करते हैं अस्पतालों की, जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन की चीज को बारीकियों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में आगे चलकर वो जो खामियां हैं वो दूर हो रही हैं, जिसके चलते जो है स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट मोड पे चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आने के साथ ही 24 मार्च को रमजान का महीना भी पूरा हो गया है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शवाल महीने के पहले दिन मनाई जाने वाली ईद आज भाईचारे के साथ मनाई गई है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सख्त और ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ईद के पर्व को लेकर सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। तो सुरक्षा व्यवस्था सख्त और ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है। वही 24 मार्च को रमजान का महीना पूरा हो गया है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शवाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। वह मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इसी की खुशी में उन्होंने ईद उल फितर मनाया और लोगों का मुंह भी मीठा किया था। वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जनपदों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर और आगरा की तस्वीर है, जहां पर ईद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो वहीं आगरा में नमाज भी पढ़ी गई है और कानपुर में भी लगातार जो नमाजी है वो मस्जिद में पहुँचते हुए नजर आए और इन्होंने ईद की शुरुआत सुबह की नमाज के साथ की है। देखिए, आज रमज़ान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है। आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलके इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं और हमारे जहाँ तक पुलिस फोर्स है वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं।
किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज को सकुशल कराने में और अच्छे माहौल में, शांति प्रेम भाईचारे के माहौल में कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। तो देश भर में आज ईद का जश्न देखने को मिला और भाईचारे का पैगाम देता ये पर्व पूरे ही देश में आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो शहर शहर, खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।